हेलो फ्रेंड्स मलाई से तो सभी घी निकालते हैं पर मैं आज आपको आटे से घी निकालने के लिए बताऊंगी आटे से अगर आप घी निकालेंगे ना तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा निकलती है आप उम्मीद नहीं कर सकते इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा निकलती है आप सोच नहीं सकते तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है मलाई तो यह लगभग पाँच से छः दिन की मलाई है जिसे मैंने फ्रिज में रख दिया था एक घंटे पहले मैंने इसे निकाल के रख दिया था अब इस मलाई को मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी यह हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है एक घंटे पहले मैंने निकाल दिया था इसी वजह से और आप भी ऐसे ही कीजिएगा जब भी आप घी निकाले तो थोड़ी देर पहले आप मलाई को घी फ्रिज से निकाल दें अब कढ़ाई में डालने के बाद हम क्या करेंगे ना इस तरह से देखिए मलाई को हल्के हाथों तो से हम फेंट लेंगे आप चम्मच की हेल्प से भी इसे इस तरह से चला सकते हैं और अच्छी से हल्के हाथों तो से इस तरह से फैलाते हम इसे फेंट लेंगे ताकि है हल्की सी सॉफ़्ट हो जाए सॉफ्ट होने से क्या होता है ना जो हम घी निकालते हैं मलाई से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है अच्छी घी निकलती है और मलाई जल्दी से जलती भी नहीं तो बहुत ही ज़्यादा घी निकलती है तो अभी इस से हल्के हाथों से इसे हाँ तो सॉफ्ट कर लेती है देखिए कि कितना क्रीमी हो चुका है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है तो मैंने इसे गैस में चढ़ा दिया है गैस में चढ़ाया और इस तरह से देखिए मैं कंटिन्यू चलाती जाऊँगी इस तरह से अगर जब आप आटे से घी निकालेंगे ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं मलाई से जो घी निकलेगी वो तो बहुत दुगना घी निकलने ही वाला है साथ ही साथ आपकी जो कढ़ाई आप घी निकालते हैं ना तो जल जाती है आप देखिएगा चारों तरफ वो जल जाती है बहुत दिक्कत होती है उसे साफ करने में तो इससे आपकी जो कढ़ाई है ना वो बिल्कुल भी नहीं जलेगी अगर आटे से आप घी निकालेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उस कढ़ाई में घी निकाला वो इतनी अच्छी तरह से निकलती है बिल्कुल भी कढ़ाई जलती नहीं है और साथ में जो घी निकलेगा काफ़ी दुगना निकलेगा तो बहुत ही प्रॉफिट है इस आटे आटे से घी को निकालने का और आप देखिए अब घी निकालते हैं हम और आप देखिए पूरी वीडियो को आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो तो इस तरह से देखिए कंटिन्यू से मैं चलाती जा रही हूँ मीडियम लो फ्लेम में रखते हुए और फिर आप देखिए किस तरह से यह इसमें पीला कलर जो आ रहा है ना येलो येलो जैसा आपको नजर आ रहा होगा ये जो येलो कलर है ना येलो कलर ही घी है तो इसका मतलब हमारा जो घी है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है इस टाइम पर हम क्या करेंगे ना जब भी हल्का सा घी निकलने लग जाएगा तब हम इसमें आटा डालेंगे जी हाँ फ्रेंड्स आटा डालेंगे दो चम्मच मैंने यहाँ पे आटा लिखा हुआ गेहूँ का आटा है आटे को हम इसमें डाल देंगे और फिर अभी से हम कंटिन्यू इस तरह से चलाएंगे ये देखिए और अब देखिएगा ये जो कढ़ाई है ना बिल्कुल भी नहीं जलेगी देखिए कितनी आसानी से साइड्स के छोड़ देती है ना बिल्कुल भी आपकी कढ़ाई जलेगी नहीं आठे सब आप घी निकालिए तो और देखिएगा किस तरह से घी को आसानी से छोड़ने लगेगा बहुत ही ज़्यादा घी निकल के तैयार होता है इसे और ये देखिए इसे कंटिन्यू लगा लगभग लग लग तीन से चार मिनट मैंने इस तरह से चलाते रहा मीडियम लो फ्लेम में रखते हुए और ये देखिए घी निकलना चालू हो गया है आप देख सकते हैं देखिए काफ़ी अच्छे से घी निकल गया आप साइड्स देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जला है हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जली है बिल्कुल भी नहीं जलती है साथ में घी की क्वांटिटी भी आपकी मलाई के अनुसार बहुत ज़्यादा निकलती है और ये देखिए आप देख सकती है देखिए तो घी निकल के तैयार हो चुका है अब मैं से आपको छान के दिखाऊंगी कितनी क्वांटिटी में घी निकली थी ये देखिए मलाई हमारी बहुत थोड़ी सी थी अगर आप ज़्यादा मलाई लेते तो आपकी इतनी मलाई से घी इतनी निकलती है लेकिन जब थोड़ी सी मलाई है ना उसके बाद भी हमने देखिए कितना सारा घी निकाल के रेडी किया आप देख सकते हैं उम्मीद आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए